हम सबके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसे हम सोचते हैं कि कभी ना कभी जरूर सीखेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। जैसा कि आप सोचते हैं कि मैं गिटार बजाना सीखूंगा, या कोई नई लैंग्वेज, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि स्टार्ट कहां से करें, या हम ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ नया सीखने के लिए। नॉर्मली आप सब लोगों ने सुना होगा कि अगर हम किसी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं तो हमें उसके लिए 10,000 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी चीज में मास्टर ना बने, बल्कि सिर्फ उतने अच्छे हो जाएं कि हम उस चीज को पूरे तरीके से एंजॉय कर सकें और कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। स्किल डेवलपमेंट को अगर सिस्टमैटिक तरीके से देखा जाए तो हमारे लर्निंग कर्व के हिसाब से 20 घंटे में हमारी महारत नुमाया होने लगती है। ऑथर जॉर्ज कॉफिन कहते हैं कि हम किसी भी स्किल को सिर्फ 20 घंटे में प्रैक्टिस करके उतना अच्छा सीख सकते हैं जितना अच्छा हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसे मुमकिन बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसी भी नई स्किल को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसे क्यों सीखना चाहते हैं और कितना सीखना चाहते हैं। एग्जाम्पल, मैं गिटार इसलिए सीखना चाहता हूँ कि मैं फ्री टाइम में इसे बजाकर फ्रेश फील कर सकूँ, या मैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बजाकर इसे एंजॉय कर सकूँ, और कम से कम इतना सीख लूँ कि अपनी पसंद के 7-8 गाने बजा सकूँ। बिल्कुल इसी तरह कोई नई स्किल को सीखने के लिए इन दो बातों का क्लियर होना लाजमी है। दूसरा, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किल्स। ऑथर जॉर्ज ने जब यूकेलेली बजाना सीखा था तो उन्होंने सबसे पहले स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा, क्योंकि बिना स्ट्रिंग्स के गिटार बजाना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पहले सीखा। फिर उन्हें एक बैंड एक्सेस ऑफ ऑसम से पता चला कि हम ज़्यादातर गाने सिर्फ 4 या 5 कॉर्ड्स के इस्तेमाल से ही बजा सकते हैं, तो ऑथर ने सिर्फ उन्हीं कॉर्ड्स पर फोकस किया। उन्हीं कॉर्ड्स को सीखने के लिए उन्होंने उसे चंद हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे कि यूकेलेली को होल्ड किस तरह करना है, फ्रेटबोर्ड पर फिंगर्स की मूवमेंट्स और स्ट्रमिंग पैटर्न वगैरह। ऑथर ने ये सिर्फ 20 घंटों में सीखा, और ये सीखने के बाद उन्होंने टेक टॉक के स्टेज पर एक परफॉर्मेंस भी दी, और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसी तरह जो आप सीखना चाहते हैं उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें और सब पार्ट्स में से इम्पॉर्टेंट पार्ट को सीखना स्टार्ट करें। हमारी सभी स्किल्स चंद छोटी छोटी स्किल्स से मिलकर बनती हैं, जिसे एक साथ सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए स्किल्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें और इम्पॉर्टेंट पार्ट को पहले सीखें, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरा रूल, रिसर्च। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और उन्हें एक पॉट बनाने को कहा गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि आप जितने पॉट्स बनाओगे आपको उतने मार्क्स दिए जाएंगे, और दूसरे को कहा गया कि आपको एक पॉट बनाना है और जितनी अच्छी क्वालिटी का बनाओगे उतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो रिजल्ट्स कुछ इस तरह थे कि ग्रुप बी ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक पॉट बनाया जो कि क्वालिटी में अच्छा था, जबकि दूसरी तरफ ग्रुप ए ने काफ़ी सारे पॉट्स बनाए थे जिनमें से उन्होंने गलतियों को ठीक करके ग्रुप बी से भी ज़्यादा बेहतरीन पॉट्स बना लिए थे। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि किसी भी चीज़ को सीखने में प्रैक्टिकल एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, सिर्फ थ्योरी वर्क ही ज़रूरी नहीं होता। तो अगर कोई चीज़ सीखनी है तो इतना ही रिसर्च करो जितना आपकी प्रैक्टिस के लिए लाजमी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको स्किल्स सिखाएगी, ना कि सिर्फ रिसर्च। रिमूव द बैरियर्स। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो 20 घंटे की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम रोज सिर्फ 40 मिनट की प्रैक्टिस ही कर लें तो 1 महीने में ही आपको हैरानकुन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और उस चीज़ में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस 40 मिनट में आपका फोकस सिर्फ उस चीज़ की प्रैक्टिस पर ही होना चाहिए। अपना फोकस बढ़ाने के लिए आपको 2 चीज़ें करना होंगी। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे दूर कर दें, और उस दौरान कोई भी दूसरा काम ना करें, जैसे कि टीवी को ऑफ कर दें, मोबाइल को साइलेंट पर लगाकर अपने से दूर कर दें। दूसरा ये कि जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि गिटार, तो गिटार को उस जगह रखो जहाँ से आप आसानी से बिना किसी मेहनत के उसे उठाकर प्रैक्टिस कर सको, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस को जितना हो सके उतना आसान बनाओ। रूल नंबर 5, प्री कमिट 20 आवर्स, यानी कि अपने आप से कमिटमेंट करना कि चाहे कुछ भी हो जाए ये स्किल में 20 घंटे में सीख कर ही रहूँगा। और इससे आपको 2 चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। पहली ये कि क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि मुझे इसके लिए अपनी लाइफ के 20 घंटे देने चाहिए, अगर नहीं तो कुछ और सीखें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। दूसरा, जब अपने आप से 20 घंटे की प्रैक्टिस करने की कमिटमेंट कर लोगे तो ये आपको उस फ्रस्ट्रेशन से भी निकाल देगी जो कि हर नई चीज़ सीखने के शुरू में होती है, और फिर जैसे ही रिजल्ट सीखने लगेंगे तो आपको सीखने में भी मज़ा आने लगेगा। और 20 घंटे ना तो इतने ज़्यादा हैं जिसे सुनकर आप घबरा जाओ, और ना ही इतने कम हैं कि आप स्किल सीख ही ना पाओ। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको जॉर्ज कॉफिन मैन की बुक द फर्स्ट 20 आवर्स से बताई हैं,
दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।